ये जलेबा है, जलेबी छोटा होता है, ये जलेबा है। जलेबा दो किस्म का बनता है, ये बनता है, जलेबा इतना बड़ा बनता है, उलट का दाल का बनता है। ये हिंग का पानी है, हिंग है। इनका जो पूड़ी और सब्जी का जो टेस्ट है, ये पूड़ी में हिंग मिलाते हैं, इतना बढ़िया इसका स्वाद आता है कि पूछिए मत। और ऐसे मज़ा आपको नहीं आएगा, आप दो खाइए, चार खाने का मन करेगा। मैं बहुत दूर से जो है इनकी सिर्फ पूड़ी सब्जी खाने के लिए आता हूँ। आपका नाम जी? बाबू राय। हमारे बाबू जी के ये दुकान 60 साल के ऊपर है। बाबू जी के बाद आप बना रहे हैं? आपके बाद आपके लड़के हैं? लड़के हैं। बस आइटम दो ही मिलता है, कचौड़ी जलेबी। कचौड़ी जलेबी। ये सब्जी किस चीज़ का रहता है? कोई चीज़ का भी सब्जी बन जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही रहेगा, कुछ भी हो जाता है। जैसे गोभी है, बैंगन हो गया, घोड़ा हो गया, पत्ता गोभी हो गया, मटर हो गया। अच्छा, सीजन वाइज? हाँ, कुछ ना कुछ रोज आइटम 3-5 होता है। ये सब्जी में आएगा? हाँ, ये उड़द का दाल का बनता है। अच्छा, उड़द का दाल। किसी ने हमें बताया कि बाबूलाल की कचौड़ी बहुत बढ़िया मिलती है, तो हमने कहा ये तो दुकान छोटी सी है यार, क्या मज़ा आएगा। लेकिन किसी ने एक दो और बताया, कहता वो माल तैयार कर रहा है, अभी थोड़ा सा तैयार होने में टाइम लगेगा, फिर खाइएगा, बहुत बढ़िया है। पंजाब से आए हैं, हाँ, दर्शन करने के लिए। आपको इनके बारे में किसने बताया? हाँ, आगे उन्होंने बताया भी, उनके पास जाओ, बहुत अच्छा करना, बाबूलाल कचौड़ी वाले हैं, उनकी कचौड़ी मशहूर है, आप उनके खा के आओ तो वो बताएंगे आपको। अब ये लेट हो रहे हैं, वहाँ पर हमारे गाड़ी का भी टाइम हो रहा है। हम पंजाब से आए हैं, पंजाब से आए हैं। हिंग का पूरा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है यहाँ अंदर। नहीं, हाँ, इनमें हिंग मात्रा है, जो हिंग है। अरे बहुत पुराना है, आज क्या दुनिया दुकान है, एक जमाने का, जब हम लोग जन्म नहीं था उसका है। बहुत पुराना इनका दुकान है जी। तब क्या रही में तो हो जाए बात। ये मसाले किसके रहते हैं? उड़द का दाल। उड़द का दाल और हींग। हींग, जीरा। जीरा, कसूरी मेथी। ये हींग का पानी है शायद? हाँ, यही हींग है। हींग है। लग चुका है, सब हो चुका है। तो क्या बताना है, बचपन से खा रहे हैं, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, कल तो रहे बचपन से खा रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है टेस्ट बढ़िया होगा तभी। ये बिना लहसुन प्याज के, मंदिर के पास लहसुन प्याज ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
भैया का है ना हर कस्टमर के प्रति अच्छा बिहेवियर भी रहता है। पूरा फैमिली मिलके बनाते हैं ये सब। हाँ पूरा फैमिली है, फुल फैमिली मिलकर काम करते हैं। छोटा भाई, पिताजी, माता जी, बड़े भाई, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली। मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से कचौड़ी पूड़ी सब्जी खाने आ रहा हूँ। इनका जो टेस्ट है वो बनारस में सबसे अलग और सबसे यूनिक है। ऐसा टेस्ट पूरे बनारस में कहीं नहीं है। और 4-5 भी अगर मैं खा लूँ तो लगता है कुछ खाया नहीं, मन नहीं भरता। अच्छा। मज़ा आ जाता है। अरे मैं देख रहा हूँ आप जलेबी नहीं जलेबा बोल रहे हैं। हाँ ये जलेबा है, जलेबी छोटा होता है, ये जलेबा है। जलेबा दो किस्म का बनता है, ये बनता है जलेबा इतना बड़ा बनता है। वाकई इनका जो पूड़ी और सब्जी का जो टेस्ट है, ये पूड़ी में हींग मिलाते हैं, इतना बढ़िया इसका स्वाद आता है पूछिए मत। और ऐसे मज़ा आपको नहीं आएगा, आप दो खाइए, चार खाने का मन करेगा। मैं बहुत दूर से जो है इनकी सिर्फ पूड़ी सब्जी खाने के लिए आता हूँ। बात है कि तुरंत मिल गया नहीं, इनके यहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करना पड़ता है, तब जाके चार पूड़ी मिलती है। बहुत वेट करना पड़ता है। मान लीजिए 9 से 2 बस 2 बजे शाम को ये आइटम है। 5 बजे से चाचा की दुकान लगती है। रेट क्या लेते हैं आप? 10 रुपये पीस है कचौड़ी, 10 रुपये पीस है जलेबा। एक प्लेट लेंगे तो एक प्लेट में 4 कचौड़ी आएगी 40 रुपये की, 10 की जलेबी आएगी 50 रुपये प्लेट। ऐसे दें लीजिए। अब सब्जी किस में लेंगे? कितना हुआ भैया? ये दो पीस बताइए, आप लोग खाइए। अंदर आना है तो अंदर ही टेबल। और सब्जी भी बहुत ही बढ़िया है भाई। जलेबा हाथ लगे हमें लगते हैं।